जैसे कुछ सवाल पूछे गए हैं एलएलबी के संबंध में, उन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं एडवोकेट मुकेश बगड़िया स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। एलएलबी करने के लिए ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स चाहिए, इसके लिए हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर भी कुछ क्यूरीज ऐसी हैं जो कमेंट के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है, जिनका जवाब देना आपको अति आवश्यक है, इसलिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उन सभी सवालों का जवाब दूंगा। मैंने लगभग सारे कॉमेंट पढ़े, उन कॉमेंट को पढ़ने के बाद मैंने पाया कि कुछ कॉमेंट्स ऐसे हैं जो कॉमन है और उनका जवाब देना बहुत ही आवश्यक है। जिनमें क्वेश्चन इस प्रकार है कि मेरे 12वीं में 70% है जबकि मेरे ग्रेजुएशन में मात्र 39% है, तो क्या मैं एलएलबी कर सकता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है कि सर मैंने आईटीआई के साथ इंग्लिश में 12वीं की एग्जाम दी, जो इंग्लिश सब्जेक्ट तो लगता है आईटीआई के साथ वो दी, और मुझे मार्कशीट मिली 12वीं की, तो क्या मैं एलएलबी कर सकता हूँ। तीसरा प्रश्न इस प्रकार है कि सर मेरे 43% है 12th में, क्या मैं बीएलएलबी कर सकता हूँ। और चौथा क्वेश्चन इस प्रकार है कि सर मेरे 12th में मात्र 43% है जबकि मेरे ग्रेजुएशन में 70% है, तो क्या मैं एलएलबी कर सकता हूँ। इन सभी सवालों के जवाब मैं कॉमन रूप से दूंगा। यदि आपने पहला वीडियो मेरा नहीं देखा है, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो आप वो जरूर देखिए। पार्ट 2 भी आपको बेहतर ज्ञान देगा, बेहतर सारी चीजें मैं बताऊंगा इसमें भी। तो इससे पहले आप ये जानने से पहले इन सारे सवालों का जवाब आप ये जान ले कि बीए एलएलबी 12वीं के बाद और ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी की जाती है। एलएलबी या बीएलएलबी गवर्नमेंट कॉलेज से भी की जा सकती है, प्राइवेट कॉलेज से भी की जा सकती है। देश के जो टॉप कॉलेज हैं वो अपनी अपनी एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, बाकी कई कॉलेज ऐसे हैं जो डायरेक्टली भी अपने हिसाब से एडमिशन तय करते हैं और एडमिशन ले लेते हैं। उनकी फीस तय है लगभग, एलएलबी की अगर आप फीस देखें तो 20,000 से लेकर 40,000 तक की प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उनकी फीस है। तो देखिए, आप ये जान लें कि यदि आपके 12वीं में कितने भी मार्क्स हो, चाहे आपने पासिंग आउट कर लिया है और आप एलएलबी करना चाहते हैं, तो ऐसी दशा में ये मायने रखता है कि आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं। एक बंदे ने मुझे ये पूछा कि 12वीं में मेरे 36 मार्क्स हैं जबकि मेरे ग्रेजुएशन में 70 मार्क्स हैं, तो क्या मैं एलएलबी कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, आप श्योर एलएलबी कर सकते हैं, क्योंकि जो एलएलबी में जो प्रवेश होता है 12वीं के बेस के आधार पर नहीं होता, ग्रेजुएशन के बेस के आधार पर होता है। जो परसेंटाइज देखे जाते हैं वो ग्रेजुएशन के देखे जाते हैं, तो ग्रेजुएशन के जो परसेंटाइज है वो लगभग 45 यानी 45% के लगभग है, एससी एसटी को छूट भी मिल जाती है, 40% के लगभग भी हो जाते हैं इसमें एडमिशन। तो यदि आपके इससे ज्यादा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, 12वीं में आपके पासिंग मार्क्स हैं, कोई तकलीफ नहीं है, आप एलएलबी कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि 10th के बाद में मैंने एक सर्टिफिकेट कोर्स किया और सर्टिफिकेट कोर्स के दौरान ही मुझे मेरी इंग्लिश की एग्जाम ली गई जिसके आधार पर 12th की मुझे मार्कशीट दी गई, तो क्या मैं एलएलबी कर सकता हूँ। बिल्कुल, आप श्योर एलएलबी कर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन करने के बाद एलएलबी भी कर सकते हैं और आप आफ्टर ग्रेजुएशन अगर एलएलबी नहीं करना चाहें तो आप 12th के बाद भी एलएलबी भी कर सकते हैं। यदि आप परसेंटाइज जो होते हैं बीएलएलबी में उनकी योग्यता रखते हैं तो कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है आपको, क्योंकि आपकी जो मार्कशीट है वो उपयुक्त है, आपको 12th की ही मार्कशीट दी गई है। मैं एक क्वेश्चन का जिक्र करना भूल गया, मुझे एक बंदे ने पूछा कि सर मेरा एलएलबी में एडमिशन हो गया है तो क्या मेरे परसेंटेज के आधार पर मेरे रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई जा सकती है एज एडवोकेट रजिस्ट्रेशन के लिए। तो मैं आपको ये बता दूं, यदि आपका एडमिशन हो गया तो किसी भी प्रकार के आपके जो एज एडवोकेट अगर आप एलएलबी या बीएलएलबी कर लेते हैं तो ऐसी दशा में आप पे रोक नहीं लगाई जा सकती, आपका रजिस्ट्रेशन होगा। यदि आपको एलएलबी कोर्स के लिए एडमिशन मिल गया तो ऐसी दशा में आपको इस बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपका एलएलबी में एडमिशन हो चुका है तो रजिस्ट्रेशन भी होगा। जो भी स्टेट बार काउंसिल है उसमें रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपको एआईबी की एग्जाम क्लियर करनी है, वही प्रक्रिया है जो अगर 60% होती किसी बंदे के या 80% होती उसके साथ होती। एक बंदे ने कहा कि सर मेरे 12th में तो 70% है जबकि मेरे ग्रेजुएशन में मात्र 39% है। देखिए, आप एलएलबी नहीं कर सकते, जहां तक मैं कह रहा हूं, अगर कोई कॉलेज आपको करवाती है तो मैं इसके बारे में नहीं कह सकता। हालांकि क्योंकि 40% का क्राइटेरिया है, आप एससी एसटी से हो तो भी, तो ऐसी दशा में आप एलएलबी के लिए क्वालिफाई नहीं है। फिर भी अगर कोई कॉलेजेस हैं तो मैं तब मुझे भी थोड़ा नहीं पता इस बारे में, क्योंकि कई कॉलेजेस के कई स्टेट के अलग अलग रूल्स होते हैं, लेकिन जहां तक मुझे पता है आप एलएलबी के लिए क्वालिफाई नहीं है। दूसरी चीज, 12th में आपके अच्छे मार्क्स हैं, आप बीएलएलबी कर सकते हैं। आपके पास एक दूसरा रास्ता है, आप ओपन से एनआईयूएस जो भी माध्यम चलता है उससे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं और आप एलएलबी कर सकते हैं, क्वालिफाई हो जाएंगे। तो आप ये जान ले, सबसे बड़ी चीज आज के वीडियो का उद्देश्य मेरा यही है, 12th में आपके कितने भी परसेंटेज हो, चाहे 36% हो चाहे 80% हो, यदि आपको एलएलबी करनी है तो ग्रेजुएशन में जो आपके प्रतिशत मार्क्स हैं उनके आधार पर आपका एडमिशन होता है। आपके 10th में कितने परसेंटेज हो, अगर आपको बीएलएलबी करनी है तो 12th के मार्क्स देखे जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज, यदि आपका एलएलबी में एडमिशन हो चुका है,
और आप रजिस्ट्रेशन की चिंता पाले हुए हैं तो ये गलत बात है, क्योंकि एलएलबी में एडमिशन सारे क्राइटेरिया को देखते हुए किया गया है। एक उम्र संबंधी क्वेश्चंस भी उठता है जिसका मैं अगले वीडियो में जवाब दूंगा, लेकिन फिर भी मैं हल्के तौर पे बता देता हूं कि रजिस्ट्रेशन के लिए उम्र संबंधी कोई भी बाध्यता नहीं है। आज का अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही लाइक करें, साथ ही आप मुझे कमेंट के माध्यम से ये भी बताएं कि मुझे किस विषय पर वीडियो बनाना है, आप किस विषय पर वीडियो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। धन्यवाद।